नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। आत्मसंतुष्टि मिशन अपने सामाजिक सहकार और लोक मंगल कार्यों को लेकर लगातार चर्चा में बना हुआ है। लॉकडाउन में जरूरतमंदों को हर संभव मदद पहुंचाने से लेकर लावारिस शवों को अंतिम संस्कार के साथ विक्षिप्त और मानसिक मंदित मरीजों की लगातार सेवा शुश्रूषा के जरिए संगठन के राष्ट्रीय संयोजक श्री राजवर्धन सिंह राजू ने काफी ख्याति अर्जित कर ली है। इसके लिए संगठन के राष्ट्रीय संयोजक और हरदोई जनपद के लोकप्रिय समाज सेवी श्री राजवर्धन सिंह राजू की कर्मठता एवं सक्रियता कार्यकर्ताओं में भी ऊर्जा का संचार करती रहती है। शनिवार को एक और सराहनीय उपलब्धि संगठन के खाते में दर्ज हो गई, जब 3 महीने पहले खोई बच्ची को उसके परिवारजनों को सौंप कर उनके चेहरे पर मुस्कान लौटाई गई। कानपुर के धुमनी बाजार निवासी श्री सुरेश चंद जायसवाल की बेटी कंचन जायसवाल 29 मार्च 2020 को घर से कहीं लापता हो गई थी। परिजनों ने काफी खोजबीन करने के बाद इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस के अलावा परिजनों ने निजी प्रयासों से बच्ची को तलाशने का भरसक प्रयास किया। हरदोई के महिला थाने को बच्ची कंचन जायसवाल 31 मार्च 2020 को घूमते हुए मिली थी। महिला थाने की पुलिस ने उसी दिन बच्ची कंचन को धर्मशाला रोड पर नटवीर पुलिया स्थित आत्मसंतुष्टि मिशन के कार्यालय पर पहुँचाया गया था। तब से कंचन मिशन के पुनर्वास केंद्र पर सुरक्षित रह रही थी। केंद्र पर उसको चिकित्सीय परामर्श, मेडिटेशन और काउंसलिंग के जरिए स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा था। धीरे धीरे बच्ची की हालत में काफी सुधार होने लगा। बच्ची ने पूरी तरह स्वस्थ होने पर खुद के परिवार से मिलने की इच्छा प्रकट की गई। कहाँ की रहने वाली है आपको? यहाँ मिशन आत्मसंतुष्टि संस्थान में कौन लाया था? महिला पुलिस। कब आई थी आप? ये कौन है आपकी? जी, आपको सूचना कब मिली थी कि बेटी आपकी मिशन आत्मसंतुष्टि संस्थान में है? अरे रोइए मत, परेशान ना होइए। बेटी के संस्था के लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे सब मतलब जैसे घर जैसा माहौल है और सब अच्छे हैं। यहाँ पे कोई तकलीफ वगैरह नहीं? ये कंचन जायसवाल करके एक बच्ची थी जो इधर लॉकडाउन के चलते कोरोना का जो वायरस फैला था उसी बीच में कहीं से भटक के हरदोई पहुंच गई। क्योंकि थोड़ा हल्का था, मानसिक बीमार बच्ची थी, ये कानपुर के घूमनी बाजार की रहने वाली थी। तो उनको हमारे यहाँ महिला थाने की पुलिस ने ला के हमारे यहाँ कर दिया। लगातार इसको हम लोग पूछते रहे, ट्रेस करते रहे, धीरे धीरे इसने कई रिश्तेदारों के नंबर बताए, फिर अपने पिताजी का नाम बताया। तो हम लोगों ने अभी कल जो है इसके माँ बाप आए और इसको ले गए, तो हम लोगों को बड़ा आत्मसंतुष्टि की अनुभूति हुई। चूँकि किसी बिछड़े को मिला देना बहुत बड़ी चीज़ है और ये बच्चे पूर्णतया ठीक इसको जाएंगे, क्योंकि सब कुछ बोलती चालती नॉर्मल रह गए हैं और उनके परिवार वालों को भी काफ़ी खुशी मिली। हम लोगों को भी ऐसे कार्य करने से काफ़ी खुशी मिलती है और इससे संपूर्ण जनपद में अगर कोई इस तरीके का मानसिक विचित या बीमार भाई बहन रहते थे पीड़ित हो तो हम लोगों के संपर्क में उसको भेजें। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि ठीक हो, बेहतर जाए और अच्छा जीवन देते। संगठन को सामाजिक कार्यों के लिए अब तक सैकड़ों प्रादेशिक और राष्ट्रीय सम्मान अवार्डों से नवाजा जा चुका है। राजवर्धन सिंह राजू के प्रयासों की सबने बहुत ही प्रशंसा की, आभार जताया। हरदोई वीरो हरिवंश अवस्थी की विशेष रिपोर्ट।